हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम को हम हिंदी में सौर प्रणाली कहते हैं। सोलर सिस्टम में होता ये है कि हमारे प्लैनेट्स का कलेक्शन होता है, 8 प्लैनेट का कलेक्शन होता है, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हमारे सोलर सिस्टम होते हैं। द कलेक्शन ऑफ 8 द कलेक्शन ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स इन ऑर्बिट राउंड द सन। द कलेक्शन ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स इन ऑर्बिट राउंड द सन। देयर आर 8 There are 8 solar system. There are 8 solar system. अब कौन कौन से होते हैं उनका नाम देखेंगे। First Mercury, MERCURY, Mercury. Mercury को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बुध। Mercury को हम हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है वेनस, VENUS, वेनस। वेनस का हिंदी होता है शुक्र ग्रह। वेनस का हिंदी होता है शुक्र ग्रह। थर्ड है अर्थ, ERTH, अर्थ मतलब पृथ्वी, जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी। फोर्थ है मार्स, MARS, मार्स मतलब मंगल, मार्स मतलब मंगल ग्रह। नेक्स्ट है जुपिटर, नेक्स्ट है मार्स, उसके बाद है जुपिटर, JUPITER, जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह। अब हमारा नेक्स्ट है जुपिटर के बाद है सैटर्न, SATURN, सैटर्न शनि ग्रह। ये हमारे 8 सोलर सिस्टम है। नेक्स्ट है यूरेनस, URANUS, यूरेनस का हिंदी होता है यूरेनस। अब नेक्स्ट है हमारा नेपच्यून, NEPTUNE, नेपच्यून। नेपच्यून का हिंदी हमारा नेपच्यून ही होता है। तो ये हो गए हमारे 8 सोलर सिस्टम। फर्स्ट मरकरी बुध ग्रह, सेकेंड वेनस शुक्र ग्रह, थर्ड अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल ग्रह, जुपिटर बृहस्पति ग्रह, सैटर्न शनि ग्रह, यूरेनस, नेपच्यून। ये हो गए हमारे 8 सोलर सिस्टम। थैंक यू।